हेलो नमस्कार, वेलकम टू क्लास 12th मैप वर्क हिस्ट्री बुक नंबर 1। एंड इन दिस वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम आपके जो मैप के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है आपके महाजनपड़ा और इम्पॉर्टेंट सिटीज, और सेकंड है आपके अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड किंगडम्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग करते हैं महाजनपड़ाज एंड सिटीज को मार्क करके हमारे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पे। ठीक है दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसका थीम है आपके किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, क्लास 12th हिस्ट्री के मैप है, मैप वर्क है और टॉपिक है महाजनपड़ाज एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज, या हम नॉर्मल सिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, महाजनपड़ाज को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, दैट मीन्स एक रेड डॉट लगाऊंगा तो वह आप समझ जाना कि मैं महाजनपड़ाज की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पर ग्रीन डॉट रहेगा वहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज की बात रहेगी। चलो अब हम मार्क कर रहे हैं। सबसे पहले मार्क करते हैं महाजनपड़ाज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गंधार। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके कुरु। ठीक है, कुरु के बाद में है पांचाला। ठीक है, फिर आपके कोसाला, देन अवंती। ठीक है, ये अवंती मार्क की, अवंती के बाद में आपके विजी है और विजी के बाद में आपके मगध है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिए। क्या मार्क करें? महाजनपड़ाज, इंपॉर्टेंट महाजनपड़ाज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, अब हम इनके नेम्स लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्लांटली नेम लिख रहा हूँ आपके गंधार। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं मैंने पाकिस्तान में क्यों मार्क किया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो मार्क है वो आपके गंधार को इन्होंने आपके पाकिस्तान के अंदर ही मार्क करा था, दैट मीन्स कि जस्ट काफ़ी क्लोज मार्क किया था। हालाँकि ये अफगानिस्तान में होता है, बट मैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक ही मार्क करा रहा हूँ। फिर कुरु मैंने लिखा, कुरु के बाद में पांचाला लिखा है, पांचाला के बाद में कोसाला लिखा है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर कोसाला की। ठीक है, कोसाला के बाद में फिर मैं लिख रहा हूँ आपके वजी, वी ए जे जे आई, कोई आपके वी ए आर जे आई भी लिखता है। ठीक है, देन मगध है, एम ए जी ए डी एच ए, मगध। देन अवंती। ठीक है, ये आपके अवंती आ गया। अब आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर महाजनपड़ाज, जो इम्पोर्टेंट महाजनपड़ाज थे वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। ठीक है, अब बारी आती है आपके इम्पोर्टेंट सिटीज़ की। चलो हम शुरू कर रहे हैं। ये देखो, जहाँ पर भी ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो सारी के सारे आपके इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो अभी हम मार्क करने जा रहे हैं। ठीक है, आप ही देख लीजिए जहाँ जहाँ हम लोग मार्क कर रहे हैं, दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ठीक है, अब हम इनके नेमिंग करेंगे। सबसे पहले है तक्षशिला, टी ए एक्स आई एल ए, तक्षशिला। ठीक है, गंधार के थोड़ा सा ऊपर ही, जम्मू कश्मीर के जस्ट पास में है तक्षशिला। के बाद में फिर है उज्जैन। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन हम सब जानते हैं, अवंती के जस्ट नीचे है। उसके बाद में है आपके वाराणसी। वाराणसी के बाद में है राजगिरा, आर ए जे जी आई आर एच ए, राजगिरा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है महाजनपड़ाज के साथ में। जितने भी महाजनपड़ाज है उन सबको मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि आपके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड महाजनपड़ाज के बीच में। ठीक है, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कर दिया है सारा का सारा मैप वर्क के अंदर, और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं महाजनपड़ाज कौन से और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी है। Now the next topic is Ashokan Pillar Inscriptions and Kingdom. Topic है हमारे पास में Ashokan Pillar Inscription, ठीक है, and Kingdom. ये topic है जो हम mark करने जा रहे हैं। अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन को मैं ऑरेंज कलर के ट्राइंगल से mark करने जा रहा हूँ मैप के अंदर। ओके, चलो अब हम मार्क करते हैं आपके अशोकन पिला इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ लोकेशन है। ये देखो, पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन। देखो पहली लोकेशन का है आपके दिल्ली के ऊपर, जो ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको बीच में, ये है आपके दिल्ली, जो हमारी देश की कैपिटल है, उसके ऊपर है पहला मार्क। दूसरा मार्क है उसके बगल में, तीसरा मार्क है आपके वाराणसी के पास में, चौथा मार्क है आपके उज्जैन के पास में। ये चार
मार्क्स हैं आपके अशोकन पिला इंस्क्रिप्शंस के, ठीक है। अब हम नेमिंग करेंगे, जो हमने अशोकन पिला इंस्क्रिप्शंस लिखे थे उनकी नेमिंग की बारी है। पहले है टोपरा, TOPRA, ठीक है। देन है आपके मेरठ, MEERUT, मेरठ, ठीक है। ये दोनों दिल्ली के आसपास है। नेक्स्ट है आपके कौशाम्बी, KAUSHAMBI, कौशाम्बी, ठीक है। ये कौशाम्बी है आपके वाराणसी के पास में। एंड देन है आपके सांची, SANCHI, ठीक है। अब मार्क कर लेते, थोड़ा सा एरो बना देते ताकि हाँ ये नेम इस चीज़ के लिए गिवन है, ठीक है। ये आपके सामने आपके हमने अशोकन पिला इंस्क्रिप्शन मार्क कर दी। अब बारी है आपके किंगडम्स की। चलो अब किंगडम्स के लिए चलो साउथ इंडिया चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 किंगडम्स हम लोग मार्क करने जा रहे हैं। पहला है चेरस, चोलाज एंड पांड्यास। ये 3 किंगडम्स हैं जिन्हें मार्क करना है। देखो पहले हम चोलाज मार्क कर रहे हैं। चोलाज आपके जो चेन्नई मद्रास वाला एरिया है वहाँ पर आपके क्या है, चोलाज है। पांड्यास आपके कहाँ पर, जहाँ राम सेतु वाला एरिया है आपके इंडिया में वहाँ पर आपके पांड्यास। और जो केरला साइड का एरियाज है वहाँ पर आपके चेराज राजा महाराजा रहते थे, ठीक है। ये हमने आपके जो 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे अलॉन्ग विद अशोकन पिला इंस्क्रिप्शन, ये हमने मार्क कर दिया है। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का मैप वर्क की वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। और हाँ, आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।